नमस्कार, डीएनए न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप भाजपा द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल के दिशा निर्देश पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह परमार के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शनिवार को सामरवानी पंचायत हॉल में उत्तर प्रदेश दिवस को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामना मालवीय मिशन के संगठन महामंत्री डॉक्टर देव प्रकाश सिंह एवं अन्य महानुभवों ने उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान शिव तांडव सहित रामलीला के कुछ झांकी उपस्थित मेहमानों के समक्ष दर्शाया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था और उस दिन को 2 मई 2017 को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उन्होंने मान्यता दी और उसके बाद 2018-24 जनवरी से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस शुरू हुआ। आज इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान के लिए जुड़े और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये आयोजन आज यहाँ पर दादर नगर हवेली में सिलवास में हो रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पे जनता को क्या दे सकते ये बताने का प्रयास करूँगा। पहले कांग्रेस सरकार में नरेगा, खड्डा खोदो और पैसा लो, ये बात चलती थी, लेकिन आज हमारी 44 योजनाएँ हैं जो हर आदमी ने एक चार आदमी को बताना चाहिए और सारी योजनाएँ ऑनलाइन है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, स्टेट हेल्थ कार्ड है, राजीव गांधी कार्ड है, इस सब का लाभ लेना चाहिए। पेंशन की योजनाएं हैं, कन्या की योजना है, विधवाएं की योजना है, तो ये अगर हम आज हमारे प्रधानमंत्री ट्रेनों में नीचे बैठ के चले हैं, इसके लिए सारी योजनाएं जनता को तो दी है, पर ये मुख्य प्रचार हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और एक आदमी चार आदमी का भला करेगा तो वो एक आदमी 20 आदमी में गिना जाएगा। अगर ये चार चार की श्रृंखला चलेगी तो कितने लोगों को लाभ होगा। और सरकारी धन पे किसी एक समुदाय का छात्र नहीं होता है, सारे लोगों ने सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि सारे टैक्स भरते हैं।